नमस्कार दोस्तों, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कि अपनी शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करें। तो आप सबको हम आपको दिखाएंगे कि हमारा शॉर्ट वीडियो देखिए कितना वायरल हुआ है, किस ट्रिक से कैसे क्या लगाया है हमने। इस ट्रिक को आप भी लगा लेंगे तो 100% आपका वायरल होगा। तो चलिए हम सारी चीज़ें आपको मोबाइल में दिखाएंगे। तो हम फ्रंट से कैमरे से हटाकर डायरेक्ट मोबाइल में दिखाते हैं, आप लोग मोबाइल में देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो वायरल हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे हमारे ही शॉर्ट वीडियो हैं जो कि वायरल हुए हैं। तो कैसे वायरल हुए हैं हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, चलिए हम आपको शुरू से सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब पर आइए, उसके बाद अपने सर्च पर जाइए और अपने सर्च पर जा कर के ऐसे लिखिए, इस पर आप लिखिए ट्रेंडिंग लोकगीत, ट्रेंडिंग लोकगीत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए हम ये वीडियो सभी के लिए बता रहे हैं। अगर जो लोकगीत से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं बना रहे हैं, और जो भैया लोग गीत लेकर यानी यूट्यूब का गीत लेकर कोई दीदी लोग बनाती है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो पहले लोकगीत के लिए बता दें हम आपको। तो पहले आप लिखिए ट्रेंडिंग लोकगीत और आप देख सकते हैं इस टाइम क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा गीत। तो देखिए इस टाइम ये इनका ट्रेंडिंग, इनका भी देखिए ट्रेंडिंग है, इनका भी ट्रेंडिंग है। ये देखिए हमारे गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं लोकगीत में, देखिए। तो आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग लोकगीत। तो ट्रेंडिंग लोकगीत में जो वीडियो चल रही हो उस वीडियो को लेकर आप शॉर्ट बनाएंगे। तो देखिए आप, हम आपको बता दें कैसे अपना वीडियो अपलोड करना है। तो देखिए ये हमारा ही वीडियो है, ट्रेंडिंग चल रहा है। तो देखिए इस पर हम इसके लोगों पर टच करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको यूज दिस साउंड पर करके, अब आपको अब समझना है कि वीडियो कैसे अपलोड करनी है। तो आपको चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकती हैं, लेकिन आप ऐसा करिए पहले बना कर रखे रहिए, उसको एडिट उडिट करके अपने गैलरी में सेव किए रहिए, तब आप बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर टच करेंगी गैलरी पर और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, अभी हम आपको कोई भी एक अपना वीडियो ले रहे हैं जो कि आपको अच्छा लगा रहा, मतलब आपको जो डालना हो, मतलब ये हमारा कहने का जो आपको डालने हो वही वीडियो आप ले लीजिए। तो हम आपको दिखाते ये वीडियो, जैसे मैंने मेरा ये वीडियो ले लिया, तो हमने इस वीडियो को ले लिया, ठीक। और आप जब भी वीडियो अपलोड करें, क्योंकि नए क्रिएटर हैं और अच्छे सोच रहे हैं कि हमारा मतलब वीडियो वायरल भी हो, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करें तो केवल 15 सेकंड का वीडियो अपलोड करें बस। ये तो केवल 14 सेकंड का इसमें पहले ही अपलोड हुआ है, तो 15 सेकंड का नहीं हो रहा है। तो आप केवल 15 सेकंड का वीडियो ही अपलोड करा करिए। अगर 60 का कर देंगी, 60 यानी 1 मिनट का कर देंगी, तो वो वीडियो जल्दी आगे नहीं जाता है। तो इसके बाद आप प्रोसेस का करिए, क्या करिए, आप इसको पूरा बढ़ा दीजिए, उसके बाद आप अपना सेटिंग कर लीजिए कि कहाँ से हमको सेट करना है। तो देखिए हम यहाँ से सेट किए हैं, उसके बाद हम इसको कर देते हैं डन, इसको हम कर देंगे डन, अभी प्रोसेस हो रहा है। अगर आप इस तरीके से वीडियो डालते हैं तो हम कह रहे हैं आपका 100% वीडियो वायरल होगा। थोड़ा आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्या ट्रिक होता है इसमें। तो आप देखिए आपका ये आ गया, अब क्या करिए, आप थोड़ा सा अपने फिल्टर पर टच करिए, उसके बाद थोड़ा सा फिल्टर लगाइए, देखिए नहीं फिल्टर लगाएंगे तो थोड़ा धुलमिल रहेगा, फिल्टर लगा देंगे थोड़ा चटक हो जाएगा। आप कोशिश करिए जब भी फिल्टर लगाए थोड़ा ये जो POP पॉप लिखा है यही फिल्टर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा चटक हो जाती है। अब इसको आप सही का टिक लगा दीजिए। अब इसमें क्या करिए, आप दिखा दीजिए कि क्या काम कर रहे हैं आप। तो आप इसे पेंसिल पर टच करेंगी और देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो ट्रैक्टर पर जो अपना भूसा है उसको लोड कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं ट्रैक्टर पर भूसा लोड कर रहे हैं, ये हम लिख देते हैं, या फिर ट्रैक्टर पे भूसा रख रहे हैं, ऐसे ही कुछ लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं, चलिए। तो देखिए हमने लिख लिया है कि ट्रैक्टर पर भूसा रख रहे हैं। अब आप इसको बड़ा छोटा चाहे जैसे कर सकते हैं। और एक चीज ट्रिक देखिए, आप अगर इसको टच करेंगी, इसको टच करेंगी, आज जैसे जैसे आप इसको टच करते जाएंगी ये अपने आप फॉन्ट जो है बदलता जाएगा। देखिए इसमें ऐसे हो जाएगा, इस पे ऐसे हो जाएगा, इस पे ऐसे हो जाएगा, आपका जो मन हो आप वही कर लीजिए। तो देखिए इसको करने के बाद आपको ये टच कर लेंगी,
जगह इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, ऐसे बड़ा छोटा हो जाता है। तो आपको जो रखना है रख लीजिए। तो हम अभी यही रख रहे हैं, और इसके बाद देखिए आप इसको ऐसे करके आप जो इसका देखिए बगल का जो कलर भी चेंज हो जाएगा, साइडों आपका चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जो भी आप करेंगी आपका साइडों चेंज होता जाएगा। तो हम अभी साइडों अपना, चलिए हम रेड ही लगा देते, नहीं तो हम ये हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यही हम लगा देते हैं। इसके बाद इतना बड़ा हम कर दिए, इसके बाद इसको डन करके आप इसको यहाँ जहाँ सेट करना चाहते हैं सेट कर दीजिए। तो देखिए ट्रैक्टर पर भूसा रख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करिए, नेक्स्ट पर करिए। अब नेक्स्ट करिए तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ सबसे पहले एक थंबनेल अपना लगाइए। देखिए ये पेंसिल का बटन है जो ना, इसको टच करिए, और आप जो दिखाना चाहते हो कि क्या आपको थोड़ा दिखे, जो फ्रंट पर आपको दिखता रहे, ताकि हाँ ये समझ आ रहा है कि हाँ ये आप ट्रैक्टर पर फेंकने वाले ही हैं। हाँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ें हम ट्रैक्टर पर फेंकने वाले हैं, तो उसी पर हम अपना छोड़ देते हैं। देखिए यही मेरा अब जब भी दिखेगा किसी को तो यही दिखेगा, तो इस पर डन कर देते हैं। और इस पर हम डन करके अपनी वीडियो प्राइवेट पर, चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो अपनी वीडियो प्राइवेट पर रखें, चाहे आपकी मर्ज़ी हो अनलिस्टेड पर रखें, तो हम बता दें हम आपको अपनी वीडियो प्राइवेट पर ही करते हैं हमेशा। तो इसके बाद फिर प्राइवेट पर किए, और आप अपना देख सकते हैं सेलेक्ट ऑडियंस पर, तो आप इस पर करिए नॉट पर, यानी कि हाँ बच्चों के लिए मेरा चैनल नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। और ये जो ऊपर है ना यस इट मेड फॉर किड, ये पूछ रहा है क्या यह बच्चों के लिए चैनल है, तो आप यस पे ना टच करिए, आप इस पर करिए, क्योंकि आपका बच्चों के लिए चैनल नहीं है, आपका सबके लिए चैनल है। तो इस पर ऐसे हाँ करके इसके बाद फिर आप हाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होगी। इसको अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं काम उसको बताते हैं। तो हम कर रहे थे ट्रैक्टर पर भूसा मतलब रख रहे हैं, तो इसको लिख देंगे ट्रैक्टर पर भूसा रख रहे हैं, हो गया। अब आप देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए हैज लगाकर SHORT, आप यहाँ शॉर्ट्स लिख दीजिए, एक शॉर्ट लिख दीजिए। उसके बाद आपका लोकगीत है तो आप लोकगीत लिख दीजिए, गीत भी है हाँ गीत भी है, सॉन्ग भी है सॉन्ग भी है, भोजपुरी है भोजपुरी तो नहीं है लेकिन देहाती में आ जाता है, ये देखिए देहाती गीत है तो हम देहाती लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं अपलोड कर देते हैं। अभी आपको प्राइवेट नहीं खोलना है, अब आपका देखिए आप क्या करना है, अब आपको डायरेक्ट यहीं से बैक हो जाना है। अब आपको अपने वाइट स्टूडियो में आना है, और अपने वाइट स्टूडियो में आप अपने कंटेंट पर जाकर अपने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है अभी अपलोड हो रहा है, तो देखिए आप अपने वाइट स्टूडियो में आकर अपने शॉर्ट पर जाएंगे। शॉर्ट पर देखिए यही वीडियो हमने देखिए फ्रंट पे यही लगाया था वही लगा है। आप अपने इस पर वीडियो को इस पर तीन बूंदी है आपको दिखेगी, उसके बाद आप यहाँ पर एडिट का दिखेगा एडिट पर जाइए, और उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यही चीज़ अपनी उठा करके अब आपको टाइटल लगाना है, तो और डिस्क्रिप्शन भी, टाइटल तो आपने लगा रखे थे लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको लगाना है। इसको आप कॉपी करिए, अपने ऐड डिस्क्रिप्शन में टच करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा बैक होकर आप और कुछ लगा सकते हैं, और सारे हैज जैसे हैज कॉमेडी तो नहीं है, विवाह गीत हम आप थोड़ा सा लगा देते हैं। थोड़ा आप लगाने से क्या होगा कि कुछ भी कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल जल्दी से उसके सामने आ जाएगा। इंडिया फोल्क सॉन्ग ये भी सही है, देहाती में आता है, उसके बाद फिर ये गीत आता है, और इसके बाद फिर देखिए ये लोकगीत भी आता है, तो और इसके बाद ये कजरी गीत है ना, तो इसको हैज लगाकर यहाँ आप कजरी लिखिए। तो इतना आपने डाल दिया, तो अब इसको बैक करिए। अब आपको लगाना है टैग, टैग इसको टच करेंगे। अब आपको यहाँ टैग में लिखना है कि क्या आपने जो ऊपर टाइटल में लिखा है वही टैग भी लिखना है, तो आप लगाइए ट्रैक्टर में भूसा रख रहे हैं, इसको लिखिए। अब इसको ये जो दिख रहा है तीर इसको आप टच कर दीजिए, वो एक टैग बन गया। अब हमारा गीत क्या है, लोक गीत है, तो आप लिख दीजिए लोक गीत, आप लोक गीत लिख दिए, इसको लिख दिए। अब फिर ऐसे कर दीजिए कजरी गीत है, कजरी है, इसको कजरी लिख दीजिए, कजरी गीत है इसको लिख दीजिए, और क्या है कि देहाती है इसको लिख दीजिए। अब देख रहे हैं इतना लिख दिए,
अब आप क्या करिए, अब अपनी वीडियो को यहाँ से प्राइवेट से इस पर पब्लिक करेंगे, पब्लिक से ऐसे बैक होकर उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आपकी वीडियो पूरी तरीके से हो गई है तैयार। आपकी वीडियो हम कह रहे हैं 100% ही वायरल होगी। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं, जो कि आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं कितना अच्छा वायरल जाता है, क्योंकि हमने जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है उस पर ही रील बनाते हैं, और जो यूट्यूब से गाने लेकर बनाते हैं आप भी सर्च करिएगा ट्रेंडिंग सॉन्ग लेकर के, आप फिर भी आप अपना आपको डायरेक्ट ही बनाना है, आपको डायरेक्ट ही डांस करना है, तो आप ट्रेंडिंग सॉन्ग लेकर के जो सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चल रहे हो उस पर लेकर उस पर रील बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं आपका वीडियो 100% ही वायरल होगा। अगर आपका वीडियो थोड़ा सा साफ क्लीन हो स्वच्छ हो तो आपका वीडियो ज़रूर ही वायरल होगा, क्योंकि ऐसा हमने खुद ट्रिक देखा है, तब आप सबको ये वीडियो बनाकर बता रहे हैं, और आपने भी हमारे मतलब वायरल वीडियो तो देख ही लिए हैं कि कितने अच्छे खासे व्यू आए हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करिए और अपने चैनल को आगे ग्रो करिए और अपना सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपना पैसा कमाइए। तो कैसा लगा वीडियो हमारा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।